भाई मेंटली स्ट्रोंग पॉजिटिव थॉट और सक्सेस की सीढ़ियाँ आपको तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आप किसी को प्रूव करना छोड़ देते हैं, आप किसी को ये बताना जताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं, बल्कि आप वो चीजें करनी शुरू कर देते हैं जो इस दुनिया की नजर में आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ला देगी। लोग आपको अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे कि हाँ अभी शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसकी टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं। एटीट्यूड, शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही जंगल पर राज करता है, बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ना जानता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि हम अगर एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। बाज कभी भी कबूतरों के झुंड में आपको उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, वो अकेला उड़ता है और जब जब सामने आता है तो बाकी सारे पंछी खुद ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो भाई अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और जरूरी चीज शामिल करो ग्रेटनेस। जैसे एक पंछी था जिसे उसके मालिक ने हमेशा पिंजरे में ही कैद करके रखा, वो कहीं बाहर उड़ता नहीं था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता, उसी में पैदा हुआ, उसी में अब बड़ा भी हो गया था और उसी में शायद मर भी जाएगा। मगर एक दिन उसके मालिक से वो पिंजरा खुला छूट गया। अब खुला छूटा तो काफी देर तक तो वो पंछी उसी में बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि इससे बाहर भी उड़ा जा सकता है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। वो तो बस उसी में रहा और बड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो बाहर की साइड आया और हल्के से उड़ने की कोशिश की। वो हल्का सा उड़ा तो पहले तो गिर गया, फिर दोबारा उठा और जोर से उड़ने की कोशिश की। इसके बाद तेज हवा आई और उसे अपने साथ उड़ाकर ले गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी दुनिया है, ये मैं कहाँ निकल गया हूँ, मेरा मालिक जो मुझसे इतना प्यार करता है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जबकि उसे थोड़ी ना पता था कि उसका मालिक ही उसका दुश्मन है, जिसने सारी जिंदगी उसे पिंजरे में कैद रखा। वो उड़ता रहा तो भूल गया कि जाना किधर है, बहुत इधर उधर घूमा, कहीं से उसे अपना पिंजरा नहीं दिखा। फिर वो थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। अब जिस पेड़ पर वो रो रहा था उस पर बहुत सारे कबूतर अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम के टाइम वो अपने घोंसलों पर आए तो उन्होंने देखा कि कोई नया पंछी उनके पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा है। उन्होंने सबने झुंड बना लिया और उससे पूछना शुरू किया कि कौन हो, कहाँ से आए हो और रो क्यों रहे हो। तो उसने पूरी बात उन बाकी कबूतरों के झुंड को बता दी। अब जब ये सबने सुनी तो सारे कबूतर जोर जोर से हंसने लगे। अब बेचारा ये कंफ्यूज हो गया कि ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर उन कबूतरों में से एक कबूतर ने कहा कि पागल, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू उस चीज से आजाद हो गया है। वो एक बंद पिंजरा जो तेरी काबिलियत तुझे बता ही नहीं सकता था, तो तेरी काबिलियत ने तुझे खुद ही ढूंढ कर उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तू किसी पिंजरे में रहना डिजर्व नहीं करता, ये पूरी दुनिया, ये नीला आकाश तेरी उड़ान के लिए बना है। तो उड़ा कर हमारे साथ दाना चुगने जाया कर, और शाम को यहीं किसी डाली पर पिंजरा बनाकर हमारे साथ रही हो, हम सब हमेशा खुश रहते हैं। बस उस दिन के बाद वो नया पंछी सबसे दूर दूर तक उड़ सकता था, घूम सकता था इस पूरी दुनिया में। तो यार बात होती है कि आप जिस दायरे में रह रहे हो देखो कि क्या इससे बाहर भी दुनिया है, क्या इससे बड़ी भी चीज अचीव की जा सकती है, और की जा सकती है तो भाई छोटा सोचने की नीड नहीं है, हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो। इसके बाद है अम्यूजिंग, मनोरंजक, जो सबको हंसाए, उनकी बातों को सुने, कुछ ऐसा आपको बनना चाहिए। आपको बताइए जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, या हमें उम्र भर एंटरटेन करते हैं, अपने अभिनय से हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं, और इसी वजह से हम इनसे बहुत ही ज्यादा अटैच भी हो जाते हैं। और कभी जब ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा पेन होता है कि हमारा पसंदीदा कलाकार इस दुनिया से चला गया। तो यार देखो, उन्हें ना तो आप पर्सनली जानते थे, ना कभी मिले थे, वो बस एक आर्टिस्ट है जिसके तौर पर आप उन्हें जानते हो, इसके बाद भी आप उनसे इतने ज्यादा अटैच हो गए। यानी कि आपका किरदार, आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि अगर पर्दा गिर भी जाए तो लोग ताली बजाते ना रुके। इसलिए थोड़ा एंटरटेनर होना जरूरी है, इससे लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलते। इसके बाद है सपोर्टिव, आपके लिंक में कोई इंसान है या आप खुद भी हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने अपने सपनों पर काम करने के लिए अप्रोच ना किया हो और वहीं एक इंसान हो जिसे आप पर बिलीव हो, तो वो इंसान हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो बस आपको इस चीज से समझ आ गया होगा कि सपोर्टिव बनना कितना जरूरी है। इसके बाद है चैलेंजिंग, यार देखो सिंपल चीजें तो कोई भी कर लेता है, बात तो उसकी है जो चैलेंजिंग रोल प्ले करे। अब जैसे श्री राम अपनी वाइफ के लिए एक ऐसे राक्षस से लड़ने के लिए आगे आए थे जिसने काल को भी अपने वश में किया हुआ था, और नतीजा क्या सामने आया कि सत्य की जीत हुई और आज हम श्री राम की पूजा करते हैं। तो भाई चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। याद रखो, दुनिया के इतिहास में सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है जो या तो जीतते हैं या अपने हौसले से सामने वाले को हिलाकर रख देते हैं, उनका नहीं जो हारने के डर से गिव अप कर दें। तो थोड़ा सोच कर चलो।
और भाई केयरिंग बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपने लिए और अपनों के लिए केयरिंग इंसान होना ही चाहिए। अब जैसे आपकी किसी से फीलिंग हर्ट हो रही है, कोई आपकी खुशियों पर नहीं समझ रहा, कहीं आपको परेशानी आ रही है, तो जाहिर है आप ऐसी हर चीज को खुद से दूर कर दोगे जो आपकी खुशियों को मार रही है। ये होती है खुद की केयर। और आपके अपने किसी परेशानी में है, वो आपसे कुछ मदद चाहते हैं या वो हेल्प नहीं मांगते, तो भी आप उनकी मदद करने के लिए आगे आते हो, ये होती है अपनों की केयर। यही चीज देखी जाती है कि किसके बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा है, इसीलिए किसी के वक्त का मजाक मत बनाओ, हो सके तो उसकी मदद करो ताकि सबकी जिंदगी ब्यूटीफुल तरीके से चल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बातों ने आपके अंदर एक जज्बा भरा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।